ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस हथियार तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफल हुई है। क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने आए दो आरोपियों को पकड़कर इनके पास से आधा दर्जन से भी अधिक देसी पिस्टल बरामद किए हैं। पकड़े गए तस्कर ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। खरगोन जिले से पिस्टल खरीद कर ये लेकर आ रहे थे, जहां पुलिस से आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क का भी खुलासा करने में जुटी हुई है। ये क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि बाहर से पिस्टलें लाई जा रही हैं। इस पे क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्टिव होकर काम किया और पनिहार के पास दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 8 पिस्टलें और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। और ये खरगोन से लाया जाना इसको बता रहे थे और अब इनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जा रहा है। ये पिस्टलों का उपयोग किस तरह से करने वाले थे, किसको देने वाले थे, और ये क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जो ये कार्रवाई हथियारों की जा रही है, इससे शहर में जो फायर आर्म से होने वाले अपराध थे उसमें भी कमी आई है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों